तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, बुलबुलैया 2 के बाद कार्तिक और कियारा की ये जोड़ी दोबारा जबरदस्त ट्रेंड करते नजर आ रही है। जैसा ट्रेंड दोनों को लेकर बुलबुलैया में देखने को मिला था, सेम वाइब सेम ट्रेंड अब फिर देखने को मिल रहा है। जहां दोस्तों सत्य प्रेम की कथा इस फिल्म ने कल अपने 6 दिन कंप्लीट करके आज 7वें दिन में एंट्री मार ली है। तो आज जानेंगे कि मूवी ने टोटल कितनी कमाई कर ली है, पहले दिन कितना कमाया, टोटल कितनी कमाई कर सकती है, पब्लिक तरफ से कैसे रिव्यू मिल रहे हैं, जनता को ये फिल्म पसंद आ भी रही है या नहीं, मूवी हिट जाएगी या फ्लॉप, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप भी कार्तिक और कियारा के डाई हार्ट फैन हैं और मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तब, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। यह दोस्तों 60 करोड़ के टोटल खर्चे पर बनने वाली फिल्म सत्य प्रेम की कथा समीर विध्वंस के डायरेक्शन में लव रोमांटिक एंड फुल ड्रामा के मसालेदार तड़के से सजाई गई एक बेहतरीन जबरदस्त फिल्म है। यह दोस्तों लगभग 2200 स्क्रीन पर इस फिल्म को रिलीज करा गया था और नाडियाडवाला ग्रैंडसन्स के द्वारा इस फिल्म में पैसा खर्चा गया है, जिसके मेन लीड पर सबका दिल जीतते हुए कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी देखने को मिलेंगे। इसी के साथ सपोर्टिंग कास्ट में आपको राजपाल यादव, गजराज राव और सुप्रिया पाठक जैसे दिग्गज स्टार नजर आने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले बात अगर फिल्म की करें तो आपको भर भर के ड्रामा मिलने वाला है, रोमांस मिलने वाला है और कार्तिक भाई की तरफ से दबा के फ्लर्ट्स मिलने वाला है। साथ ही इस फिल्म के सॉन्ग्स वो पहले ही हिट ट्रेंड कर रहे हैं। यह दोस्तों कार्तिक और कियारा ये जोड़ी नंबर 1 ट्रेंड कर रही है, सभी का दिल जीत रही है। बात अगर फिल्म की स्टोरी लाइन की करें तो मूवी में समटाइम आपको ढेर सारा कॉमेडी देखने को मिलेगा तो समटाइम ढेर सारा इमोशनल ड्रामा। इसी के साथ कार्तिक का वही चार्मिंग लुक आपको देखने को मिलेगा और कॉमिक टाइमिंग तो क्या कमाल की डिलीवर करी गई है कार्तिक की तरफ से। साथ ही कियारा आडवाणी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, जितनी खूबसूरती दिखती ही उतनी खूबसूरती से इन्होंने अपना किरदार भी निभाया है। बात अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की करें तो दोस्तों अपने पहले दिन ऑल ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 10.5 करोड़ के आसपास रहा और पूरी दुनिया से लगभग 15 करोड़ के आसपास। दूसरे दिन ऑल ओवर इंडिया से 7 करोड़ और पूरी दुनिया से 10 करोड़। तीसरे दिन भी लगभग 10.5 करोड़ का कलेक्शन करा था और चौथे दिन भी अच्छा ग्रोथ करते हुए पहले 4 दिन में वीकेंड में 38.60 करोड़ का होल्ड देखने को मिला था। दोस्तों जनता मूवी को काफी पसंद कर रही है और रोज एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग होल्ड करके मूवी साबित कर रही है कि यह सिनेमाघर में लंबी टिकने वाली है। जहां दोस्तों अपने 5वें दिन डाउनफॉल तो देखने को मिला लेकिन पब्लिक की तरफ से कोई निगेटिव रिव्यू नहीं मिले। जहाँ लगभग 4.21 करोड़ का कलेक्शन अपने 5वें दिन में देखने को मिला, इसी के साथ कल्याणी अपने 6ठे दिन भी सेम ट्रेंड करते हुए लगभग 4.20 करोड़ का ही होल्ड करते नजर आई थी फिल्म और कल तक टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड ऑफ द डे 47 करोड़ तक पहुंचा दिया था। बात करें आज यानी 7वें दिन में कैसी ग्रोथ है, तो यस मॉर्निंग से आज भी कल की तरह स्लो डाउन नंबर ही देखने को मिल रहे हैं। कल की तरह सेम ट्रेंड करते हुए एंड ऑफ द डे ऑल ओवर इंडिया से लगभग 4 करोड़ के आसपास होल्ड करते नजर आएगी। इसी के साथ अपने 6ठे दिन तक इंडिया से 50 करोड़ के आंकड़े के आसपास नजर आएगा और पूरी दुनिया से 60 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर लेगी। दोस्तों मैंने बहुत बोली, अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है, मूवी हिट जाएगी या फ्लॉप और 100 करोड़ कमा भी पाएगी या नहीं? दूसरा, कार्तिक और कियारा ये जोड़ी आप लोगों को कैसी लगी, फटाफट अपने अकाउंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।